अब बात टोक्यो ओलंपिक पर हमारी खास कवरेज की, जिसमें हम हर रोज आपको भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो टोक्यो में भारत की उम्मीदों को पार लगाएंगे। इसी कड़ी में आज बात शटल क्वीन पीवी सिंधु की। ये 5 साल पहले की तस्वीरें हैं। कंधे पर तिरंगा, होठों पर चांदी की चमक, लेकिन चेहरे पर गोल्ड न जीत पाने का अफसोस भी। ये तस्वीर टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु की है। 5 साल बाद वक्त का पहिया फिर घूमा है। रियो का सिल्वर टोक्यो में गोल्ड में बदलने को बेकरार है। 130 करोड़ भारतीयों की निगाहें टोक्यो में सिंधु पर होंगी। उम्मीदों का बोझ इस बार पहले से ज्यादा है, क्योंकि रियो ओलंपिक के बाद बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु का जलवा जमकर चला है। 2019 में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, 2017 और 18 में सिल्वर जीतकर करियर वर्ल्ड चैंपियन पदक का आंकड़ा 5 कर लिया है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में गोल्ड और सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक में पहले भी सिंधु ने कई प्रतियोगिताओं में परचम लहराया है। रियो ओलंपिक में फाइनल में पहले सेट में जीत के बाद 2 सेट में हार का जख्म देश की आंखों में जिंदा है, और देश उन 2 सेट की हार को टोक्यो में सिंधु के गले में गोल्ड देखकर मिटाना चाहता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।